बिहार के होनहार खिलाड़ियों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। श्रीलंका में स्वच्छ शहर इंदौर का डंका बजाकर श्रीलंका की धरती पर इंदौर के निजी स्कूल के खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर इंदौर सहित प्रदेश का नाम रोशन किया। इंदौर के कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में अन्य स्कूलों से कई बच्चे रोल बॉल का भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेलने गए थे, जो कि बड़े अंतर से श्रीलंका को हराकर पुनः आज भारत लौटे हैं, जहां इंदौर एयरपोर्ट पर गोल्ड सिल्वर पदक के साथ शहर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उनके अभिभावक व शहरवासियों ने धूमधाम के साथ अभिनंदन किया। 13 साल के तनवीर पटेल ने गले में गोल्ड मेडल टांग कर कहा कि उन्होंने श्रीलंका में इंदौर की स्वच्छता के बारे में भी सभी को बताया और वहीं अन्य खिलाड़ियों ने भी आगे कही चैंपियनशिप खेलने की बात कही है। सचिन के कोच ने बताया कि श्रीलंका के कोलंबो के जीडी गणेशा स्कूल के ग्राउंड में हुई चैंपियनशिप में खजराना के तनवीर पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है और अन्य खिलाड़ियों ने रजत पदक पर कब्जा किया है। 4 दिन के श्रीलंका टूर के दौरान बच्चों ने जमकर रोल बॉल खेली है। बच्चों ने बहुत अच्छा कॉर्पोरेट किया है। बच्चों ने काफ़ी डिसिप्लिन बच्चे हैं। उसके साथ बच्चों ने ये मानिए आप कि बच्चों ने कम से कम अपना पूरा जी जान लगा के खेला है, तब जाके मेडल लगा है टीम को। किसको हराया श्रीलंका, क्योंकि सीरीज थी श्रीलंका और इंडिया की, दो ही टीमें थी वहाँ पर। मेरा नवासा है तनवीर पटेल, जो श्रीलंका खेलने गया था। वो फख्र की बात है कि उसने हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन किया है। 11 साल की उम्र है उसकी, उसके बाद भी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया खेल में और बहुत अच्छा गोल्ड मेडल जीत के और आया है। ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। खजराना रहता हूँ मैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसा जैसा सोचा था वैसे ही हुआ कि भारत का मतलब तेज तर्राट बच्चा श्रीलंका गया है खेलने के लिए और मतलब भारत का नाम रोशन करके आया। हमें बड़े फख्र की बात है और मतलब स्वच्छता अभियान के बारे में भी वहाँ पर बता के आया कि हमारा भारत में स्वच्छता अभियान नंबर 1 है, इंदौर नंबर 1 है।